अमेजन प्राइम पर फैंस काफी समय से द फैमिली मैन सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे और फैंस को 4 जून की रात को बड़ा सरप्राइज मिला है। दरअसल द फैमिली मैन के दूसरे सीजन को पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीरीज का केवल पहला एपिसोड जो कि तकरीबन 60 मिनट का और दूसरा जो कि करीब 51 मिनट का है, इसके बाद से सारे एपिसोड आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच है। सीरीज की कहानी को अब एक नया मोड़ मिल चुका है। सीरीज की इस सीजन की कहानी दिल्ली से निकलकर मुंबई आ चुकी है। गैस कांड के विफल होने के बाद से श्रीकांत ने एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया और हमेशा अपने बॉस से डांट खाता रहता है। घर का विवाह सीरीज में इस बार भी दिखाया गया है। बेटा जिद्दी हो गया है, बेटी का बॉयफ्रेंड हो गया है और अब श्रीकांत हर तरीके से परिवार वाली जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा है, लेकिन तभी तलपड़े आता है और उसे बड़ा पाव की याद दिलाता रहता है। दोनों गैस कांड के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं। मिलिंद को समझाने उसके घर भी जाते हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका का मुद्दा दिखाया गया है। राजनीति को बखूबी पेश किया गया है। चीन को श्रीलंका से भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सरकार के द्वारा द्विपक्षीय वार्ता रखती है। इस वार्ता को विफल बनाने और इस पर हमला करने के लिए तमिल उग्रवादी कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं, यहीं से शुरू होती है समांथा अग्निनेनी की एंट्री। सीरीज रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई। फैंस सीरीज देखकर दीवाने हो गए हैं और तरह तरह के कमेंट करके सीरीज का स्वागत कर रहे हैं। लगातार फैंस ने अपने ट्वीट में यही कहा कि ट्रेलर आदि देखकर सीरीज को जज न किया जाए। वहीं सीरीज को काफी बड़े रूप से इस बार पेश किया गया है, लेकिन एक कहानी के ऊपर है इस बार सीरीज। हालांकि सीरीज में कुछ तमिल शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले सीजन की तरह ये सीजन भी काबिले तारीफ है।